वेलकम एवरीवन, एस के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संवाद का थर्ड पार्ट देखेंगे। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज हम संभागीय व्यवस्था देखेंगे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी। उस समय राजस्थान के सीएम लाला शास्त्री थे और सर्वाधिक संभाग भी लाला शास्त्री के काल में बने थे, और जिसमें 5 संभाग थे, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग मनाए गए थे लाला शास्त्री काल में। और इसी 30 मार्च 1949 को राजस्थान में 5 विभाग की स्थापना भी हुई थी। इसमें न्याय का विभाग जोधपुर में, शिक्षा का विभाग बीकानेर में, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज विभाग उदयपुर में और वन विभाग कोटा में। और अप्रैल 1962 में मौलाना सुखाड़िया सीएम के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। लाला शास्त्री ने शुरुआत की थी और मौलाना सुखाड़िया के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं, जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा संभागीय व्यवस्था की दोबारा शुरुआत की गई थी। हीरालाल ने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की स्टार्टिंग में, फिर मौलाना सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया और हरिदेव जोशी ने दोबारा शुरुआत की। हीरालाल ने शुरुआत किया और सुखा दिया सुखाड़िया ने, और वापस हरा भरा किया हरिदेव जोशी ने। ऐसे याद रखें, इस 1967 संभाग अजमेर को मनाया गया था, जिसमें यह संभाग जयपुर से अलग होकर नया संभाग घोषित हुआ था। और 7वां संभाग भरतपुर को की घोषणा और मनाया गया था 4 जून 2005 को। और यह जयपुर से भरतपुर व धौलपुर जिले और कोटा से सवाईमाधोपुर व करौली जिले लेकर भरतपुर संभाग को घोषित किया गया था। और इस समय सीएम थे राजस्थान की भूषणराज सिंधिया, जिसका निवासन क्षेत्र झगड़ापटन झालावाड़ है। और 8वां 9वां 10वां संभाग एक साथ 7 अगस्त 2023 को बने थे, और उनकी घोषणा 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। और इसमें बांसवाड़ा, पाली, सीकर 3 संभागों को बनाया गया था, और सर्वाधिक संभाग हरिदेव जोशी के कार्यकाल में बने थे। और सीएम थे इस समय 8वां 9वां 10वां संभाग में थे तब अशोक गहलोत, और वर्तमान में अशोक गहलोत हैं। और राज्यपाल कलराज मिश्र थे, और जिसमें बांसवाड़ा संभाग उदयपुर से अलग होकर नया संभाग बना था, और पाली संभाग जोधपुर से अलग होकर पाली संभाग बना था, और सीकर संभाग बीकानेर से चूरू जिले को और जयपुर की से झुंझुनू और सीकर को अलग कर सीकर संभाग बनाया गया था। और इसमें एक नीम का थाना भी जिला समिति का जो नया है। और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा है, जिसमें कोटा में झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, और कम वर्षा वाला संभाग जोधपुर है। इसमें सम गांव जैसलमेर में कम वर्षा का स्थान होता है, उससे 3 दिन वर्षा होती है। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा है, और कम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा, और स्थान पूछे तो झालावाड़, और जिला पूछे तो झालावाड़, और कम आर्द्रता वाला संभाग पूछे तो जोधपुर, और जिला पूछे तो सम जैसलमेर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर है, और कम जनसंख्या वाला संभाग जोधपुर है। और वर्तमान में 10 संभाग और 50 जिले हैं, जिसमें 7 जिलों वाले संभाग 2 संभाग है, जिसमें जयपुर व अजमेर आते हैं, और 6 जिलों वाले संभाग 2 है, जिसमें जोधपुर व भरतपुर आते हैं, और 5 जिलों वाला संभाग 1 है, इसमें उदयपुर है, और 4 जिलों वाले संभाग 4 है, इसमें बीकानेर, पाली, कोटा और सीकर है, और 3 जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा है, और सर्वाधिक कम जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा है। इसे याद रखें। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। संभागीय व्यवस्था शुरुआत 30 मार्च 1949 को, लाला शास्त्री काल में सर्वाधिक संभाग 5 बने थे, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर। न्याय विभाग जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, कृषि विभाग भरतपुर में, खनिज विभाग उदयपुर में, वन विभाग कोटा में। और अप्रैल 1962 में मौलाना सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी, और फिर वापस जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा
द्वार शुरुआत हुई थी उस समय छठा संभाग अजमेर घोषित हुआ और जयपुर से अलग होकर, और सातवां संभाग भरतपुर जिसकी 7 जून 2005 को मनाया गया था। जयपुर में भरतपुर धौलपुर को अलग किया गया और कोटा में सवाई माधोपुर का करौली जिला लिया गया था। और सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया। और 8वां 9वां 10वां संभाग 7 अगस्त 2023 को मना और घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई, और जिसमें बांसवाड़ा पाली सीकर नए संभाग बने। सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र, बांसवाड़ा संभाग उदयपुर से अलग हुआ, पाली संभाग जोधपुर से अलग हुआ, सीकर संभाग बीकानेर से चूरू जिला, जयपुर से झुंझुनू में सीकर जिला अलग होकर नया संभाग बना। और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा, कम वर्षा वाला संभाग जोधपुर, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कोटा, कम आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग जयपुर, कम जनसंख्या वाला संभाग जोधपुर। और वर्तमान में 10 संभाग है, 50 जिले राजस्थान में। 7 जिलों वाले संभाग 2 है जयपुर व अजमेर, 6 जिलों वाली 2 है जोधपुर व भरतपुर, और 5 जिलों वाला उदयपुर 1 है, 4 जिलों वाली 3-4 है बीकानेर पाली कोटा और सीकर, और 3 जिलों वाला संभाग बांसवाड़ा है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।